हाय गाइस, आप लोग का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। सो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ वेज बिरयानी की रेसिपी, जिसे आप आराम से अपने घर पे बना सकते हैं। और मैं इसे प्रेशर कुकर में बनाई हूँ और इसकी जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसकी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बिरयानी बनाने के लिए मैं यहाँ पे इंडिया गेट बासमती राइस का यूज़ कर रही हूँ। आपको 250 ग्राम चावल ले लेना है और उसे अच्छे से वॉश कर लेना है, धो लीजिए 2-3 बार, और उसे पानी में डाल के आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए फूलने के लिए। मैं यहाँ पे 400 ग्राम पनीर ली हूँ, जिसे आपको रिफाइन में डाल के थोड़ा देर के लिए फ्राई कर लेना है, अप्रॉक्स 2 मिनट हाई फ्लेम पे। मैं यहाँ पे 50 ग्राम सारी चीज़ ली हूँ, काजू, बादाम और किशमिश। आपको काजू और बादाम फ्राई कर लेना है थोड़ा सा रिफाइंड डाल के मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा, नहीं तो इसका टेस्ट चला जाएगा। बहुत थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आपको फ्राई करना है। जब ये रेड रेड होने लगे तब आप समझ जाइएगा कि आपका काजू और बादाम फ्राई हो चुका है। मैं यहाँ पर 100 ग्राम बीम और 100 ग्राम गोभी ली हूँ, जिसे आपको रिफाइंड डाल के थोड़ा सा इसे भी फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा रेडिश कर लेना है। आप देख ही सकते हैं मीडियम फ्लेम पे। आप यहाँ पे हरा मटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रेशर कुकर लेना है और उसमें मैं यहाँ पे 100 ग्राम रिफाइन और 100 ग्राम घी यूज़ की हूँ, और इसे अच्छे से हाई फ्लेम पे गरम होने दीजिए। उसके बाद आपको इसमें डालना है जीरा और खड़ा गरम मसाला, जिसमें आप आ जाएगा आपका बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, ये सब आपको डाल देना है और हाई फ्लेम पे इसे थोड़ा सा भून लीजिए। और उसके बाद जब ये जलने लगे तब आपको इसमें डालना है प्याज। मैं यहाँ पे 4 मीडियम साइज प्याज ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार यहाँ पे हरी मिर्च डाल सकते हैं, उसे आप बीच से कट कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे मीडियम साइज शिमला मिर्च डाल रही हूँ और सारी चीज़ को हाई फ्लेम पे आप थोड़ा देर के लिए फ्राई कर लीजिए ब्राउन होने तक। और जब ये ब्राउन हो जाए तो आपको डालना है गाजर। मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज गाजर यूज़ कर रही हूँ। इसे भी आप थोड़ा देर के लिए फ्राई कर लीजिए साथ में सारी चीज़ को हाई फ्लेम पे। और जब सारा चीज़ रोस्ट हो जाए, थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाए, तो आपको डालना है वेजिटेबल और इसको भी आपको 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है साथ में हाई फ्लेम पे। और जब आपकी सारी चीज़ हो जाएगी तो आपको डालना है इसमें लहसुन का पेस्ट। मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून लहसुन यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे जीरा और काली मिर्च की पाउडर 1 स्पून डाल रही हूँ। सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर आप यहाँ पे 1/2 स्पून धनिया और 1/2 स्पून लाल मिर्च की पाउडर डाल दीजिए और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे सारी चीज़ को आपको फ्राई कर लेना है। उसके बाद आपको डालना है नमक। आप सब्जी और चावल दोनों को देख लीजिए कितना है, उसके बाद उसी के अनुसार आपको डालना है नमक। उसके बाद आपको इसमें डालना है एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला। मैं यहाँ पे 10 रुपीस का पैकेट पूरा डाल रही हूँ। आपको यहाँ पे 2 स्पून डालना है अप्रॉक्स। सारी चीज़ को मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए 1 मिनट तक। उसके बाद आपको इसमें डालना है चावल। सारे चावल को इसमें डाल दीजिए। उसके बाद आपको डालना है पनीर फ्राई किया हुआ और सारे ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद आपको डालना है पानी। पानी बस आपको इतना ही डालना है, ताकि जो भी आपका सब्जी और चावल है उससे बस थोड़ा सा ही ऊपर हो, 1 इंच, जो आपका फिंगर होता है ना, फिंगर का जो फर्स्ट लाइन होता है, आपको उतना ही इसमें पानी डालना है। और उसके बाद सारे चीज़ को मिक्स कर लीजिए
और प्रेशर कुकर को बंद कर लीजिए और हाई फ्लेम पे आपको एक सीटी लगाना है। जब सीटी निकल जाए तो आपको लास्ट में डालना है धनिया का पत्ता। बस गर्मा गर्म सर्व कीजिए। आप इसे रायता के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रायता की रेसिपी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो गाइस, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।